बेबी क्या हुआ? बेबी क्या हुआ? मम्मी ने मारा है। मम्मा ऐसे कर रहे थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और बेबी आज सुबह सुबह उठ के, वैसे सुबह तो नहीं है, अभी धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और 9:30 बजे के आसपास टाइम है, और ये उठ के इधर आ चुका है, अंदर फंस गया है। बाहर निकलो, बाहर निकलो, लग जाएगा, सर पे लग जाएगा। सब इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, लग जाएगा आगे। मम्मी ने देख लिया ना, चिल्लाएगी। चल आ जा, आ जा बाहर, आ जा बाहर, आ जा। चल, धूप बहुत है इधर, धूप बहुत है। चलो नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, इसको लेके चलते ही। जब तक यहीं पे रहेगा तब तक इधर से उधर कूदता रहेगा। ये रखा हुआ है ना, इसके ऊपर जा रहा है और इसमें धूल काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए धूप में रखा हुआ है। यहाँ पे उधर टैंकी के पीछे छुप जा रहा है, ये सब कर रहा है, तो इसको भगा देते नीचे। और ये स्टेयर्स भी थोड़ा सा खतरनाक है, साइड में वो रेलिंग नहीं है ना, तो इसीलिए वो नीचे चला गया। चलो मैं भी चलता हूँ, धूप काफ़ी ज़्यादा है। ये खोल के रखता है, सुबह का टाइम है, ये खोल के रखता है। धूप आजकल काफ़ी बढ़िया हो रहा है, कैफे भी बिल्कुल खाली खाली था सुबह का टाइम है, और बाहर धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, और आज संडे भी है इसलिए लोग नहीं है। और ये अपना वीडियो है जो अभी तक 0 व्यूज थे 33 मिनट से, वो तो उसके बगल वाला गाना चलाते हैं। अरे बाएं हाथ से ना मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा, ये वाला चलाते हैं। देखो यहाँ पे बिल्लू जी क्या कर रहे पता नहीं, इधर घूम के देख रहे, मस्त। कभी कभी आ जाते हैं, मैं गाना सुन रहा था, गाना सुनने के लिए आ जाते हैं कभी कभी। ये क्या चल रहा है, हाथ नहीं है ना इनके, पैरों से ही सब कुछ करना पड़ता है। मैं उठ के अभी जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे पीछे घूमने लगेंगे। वो भी लोग देखने के लिए आए, कौन जा रहा है कौन आ रहा है उसका गिनती रखते हैं ना वो। बेबी को देखो किया सब कर रहा है, रो रहा है। बेबी क्या हुआ? बेबी क्या हुआ? मम्मी ने मारा है। मम्मा ऐसे कर रहे थे? नहीं, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ। देखो मम्मी ने मारा, फिर से नीचे मम्मी के पास ही जा रहे हैं, नीचे जाके बोल रहे हैं मम्मी मुझे थोड़ा सा भी केयर नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते, ये सब बोल रहे हैं। और बाहर तो धूप अभी भी है, मतलब अभी तो होगा ही, 1:30 बजा है ना घर में। सही है, ये पर्दे लगाने की वजह से अंदर धूप घुसता ही नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है पर्दे लगाने का। छत में चले होंगे तो पता चल गया। देखो ये सेकेंड फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर ही मान लो, नीचे वाला तो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर का हालत ऐसा है और सेकेंड फ्लोर तो होगा नहीं। सेकेंड फ्लोर यहाँ पे तो काफ़ी सारे सामान रखा हुआ है, इसको समेट के सही जगह पे करना पड़ेगा। ये पूरा जैम हो चुका है जगह, ये वाला देखो, अभी फ़र्क पता चलेगा कि धूप कितना ज़्यादा है। मैं अभी बाहर नहीं जाऊँगा, धूप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जगह और ये जगह में फ़र्क पता चलेगा, पर्दे लगाने की वजह से कितना कम हो गया धूप। नहीं तो खिड़की, ये दोनों जो साइड में खिड़की है ये काफ़ी बड़े थे ना, पर्दे नहीं लगाते तो धूप तो काफ़ी ज़्यादा आता। ये देखो ये भी खिड़की काफ़ी बड़ा है और ये भी खिड़की काफ़ी बड़ा है। उधर तो मंदिर है, साइड में भी नहीं जाएंगे, नीचे चलते हैं। बाहर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अभी भी मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे। सुबोधा बाहर गया, बहुत काम कर रहा है वो, मैं तो निकल नहीं पा रहा, वो बाहर जा रहा है। सोनादा भी बाहर है, दी लोग भी बाहर है, मैं घर पे हूँ बस। पानी, पानी देखते ही प्यास लग जाता है। मिला मिला, चलो यहाँ पे कुछ चलाते हैं, अभी घर में बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, इसको काटते हैं पहले। काम नहीं, यही वाला चलाते हैं। ये क्या, नहीं सावाऊ का वीडियो आ चुका है, चलो यही देखते हैं। और फिलहाल आज के लिए ब्लॉग को करते ही एंड। आए हो गए तो वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग।